महोबा में विकलांग व्यापारी के आत्महत्या मामले में 150 लोगों ने इकट्ठा होकर डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर वांछित चल रहे दबंग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मृतक का परिवार पिछले 15 दिनों से न्याय की गुहार लगाता फिर रहा है, लेकिन संबंधित दो जनपदों की थाना पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, जिसको लेकर महोबा के व्यापारियों में भी खासा आक्रोश है। महोबा जिलाधिकारी की चौखट पर बाहर हाथों में तख्तियां लेकर बैठे यह तमाम लोग विकलांग व्यापारी मौत के मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, जिसमें सभी 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि शहर के हमीरपुर चुंगी में रहने वाला विकलांग क्रेशर व्यापारी संदीप सिंह बीते 16 अक्टूबर को अपने एक साथी के साथ झांसी से वापस लौट रहा था, तभी झांसी जनपद के रानीपुर इलाके में मामूली कहासुनी कर दबंगों द्वारा विकलांग के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इस मामले में रानीपुर पुलिस द्वारा दबंग आरोपियों पर कोई कार्यवाही न किए जाने से आहत और मारपीट से आत्मग्लानी महसूस कर रहे व्यापारी ने घर में आकर लाइसेंसी पिस्तल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी और घटना का सुसाइड नोट भी लिखा था। इस मामले में 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी आरोपी की ना तो गिरफ्तारी पुलिस कर पाई है और ना ही महोबा और रानीपुर की पुलिस ने आरोपी से कोई पूछताछ की है। उसको लेकर अब मृतक के परिवार सहित व्यापारियों में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नाराज 150 लोगों ने आज डीएम कार्यालय के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर नारेबाजी की गई है, साथ ही ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। जिलाधिकारी ने जिस पर पुलिस अधीक्षक से बात कर जल्द ही गिरफ्तारी कराए जाने का आश्वासन भी दिया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पुलिस जानबूझकर आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। यही नहीं, परिजनों ने रानीपुर पुलिस पर आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यदि आरोपी जल्द गिरफ्तार नहीं हुए तो सड़क पर उतरकर आंदोलन भी होगा। जिलाधिकारी जी के लिए ज्ञापन आज देने आए थे हमारे बड़े भाई संदीप सिंह, जो झांसी किसी कारवश व्यवसाय कार्य से झांसी गए थे। लौटते समय नाश्ते पानी के लिए वो रुके, जहाँ पे कुछ लोग गुंडे माफिया राज हमारे भाई को बुरी तरीके से मारा, क्योंकि हमारा भाई विकलांग था और उसके साथ बहुत बड़ी जाति हुई। हमारा भाई प्रतिष्ठित व्यवसायी था और अच्छा कामकाज यहाँ पे देख रहा था, उन्होंने उसको मारा। वो बेचारा घर आया उसको, और वो लोग उसने पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने कोई भी वहाँ पर कड़ा एक्शन नहीं लिया। इसके बाद सीधे वो घर आए, घर आके उन लोगों को छोड़ दिया गया, उनको मैसेज मिला कि उनको छोड़ दिया गया। इससे अपमानजनक उनको वो लगा और उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके बाद हमसे प्रशासन से हमने मांग की, उनको मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। हमने कैंडल मार्च जुलूस भी लगा रहा, हमको आश्वासन दिया गया कि हम 5 दिन में हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी भी कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। हम परेशान हैं, हम शासन की हमेशा हमने सरकार की मदद की है, हमने सरकार का हमेशा साथ दिया है, लेकिन आज हम ही लोग प्रताड़ित हैं इन माफियाओं से, इस गुंडों से। अगर इसी तरह चलता रहा तो सरकार की छवि खराब होगी, प्रशासन की छवि खराब होगी। हम मांग करते हैं और हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे अब, क्योंकि अगर ऐसे लोग इतने अच्छे लोगों के साथ अगर गलत हो रहा है तो फिर हम लोग आम मानस का क्या होगा। इन माफियाओं को सरकार तो बहुत कह रही है कि हम माफियाओं को ख़त्म करेंगे, ये क्या है ये? आज तक अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, 15वां दिन होने जा रहा है, उनके और हौसले बुलंद हो रहे हैं। परिवार सुरक्षा चाहिए हम लोगों को माफियाओं से, हम इसलिए बैठे हैं और हमने आज ये शांतिपूर्वक हम इनको सिर्फ आगाह कर रहे हैं प्रशासन को, और इसके बाद अगर हमारा प्रशासन मदद नहीं करता हम सड़कों पर आके प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ पूरा संगठन है, हर समाज के लोग हैं, हम लोग सड़कों पर आएंगे और प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे। हम आज माननीय DM साहब के पास आए हुए हैं। 16 तारीख को जो रानीपुर में घटना हुई थी संदीप सिंह की, उसके संदर्भ में ज्ञापन देने हुए आए हैं कि जो कुख्यात अपराधी हैं, जिन 6 लोगों के नाम दिए थे सुसाइड नोट में, वो अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं, ना ही उनकी कोई गिरफ्तारी हो रही है, ना वहाँ का प्रशासन कोई काम कर रहा है। इस संदर्भ में DM साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और हमारे रक्षा करें। कितने दिन हो गए हैं ये मामला हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? ये मामला 15 दिन हो गए हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कर पा रही है। पुलिस के अधिकारियों से आपकी कुछ बात हुई क्या, आश्वासन दिया उन्होंने?
आश्वासन ये दिया कि टीम घूम रही है, जगह जगह छापा मार रही है, लेकिन वो मिल नहीं रहे। क्या आपको कुछ ऐसे भी उसमें आरोपी हैं जो पुराने क्रिमिनल टाइप के हों? वो तो जितने भी सब क्रिमिनल हैं, पूरे लोगों को लूटना, उनको मारना, यही उनका काम है। और उनसे हम लोगों को भी जान मान का खतरा है, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, किसी भी वक्त हो सकता है आज हमारा भाई गया कल हमारे ऊपर हमला कर दे। क्या लगता है आपको कि किसी राजनीतिक संरक्षण है क्या अपराधियों को? हाँ, उनके राजनीतिक संरक्षण है, पैसा भी उनने दिया झांसी SP को, वहाँ का सब प्रशासन बिक चुका है और सब आपराधिक गतिविधि से जुड़े हुए हैं। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. इस त्योहार बांटिए अपनों के साथ प्यार, दीपावली पर घर लाइए कुछ खास उपहार। आइए माँ पीताम्बरा इलेक्ट्रॉनिक्स मऊरानी पर और ले जाइए स्मार्ट TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जरूरत का सामान आसान किस्तों पर।